नमस्कार दोस्तों, इनकी उम्र 57 इयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये जैसे एक लाइन है वो पार करेंगे और अचानक से इनका भाग्योदय होने वाला है। अभी तक जो जीवन में पैसा जो नहीं कमा पाए उससे ज़्यादा ये पैसा कमाने वाले हैं। अब वो कहाँ देखते हैं, वो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी भी ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ऐसे लोगों को सलाह कि किसी न किसी को पूछकर निर्णय लीजिए। ये स्क्वेरिश पाम और रेक्टेंगल दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी भरपूर होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज बहुत अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते ये लोग बहुत अच्छी तरह से, और अंगूठा बड़ा भी है पर उतना मांसल नहीं है, तो व्यक्तित्व तो स्ट्रांग होगा पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं, और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और बुध पर्वत भी अच्छा है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देता है, बिजनेस सेंस भी देता है। ये लाइन है बिजनेस सेंस भी देती है, दो चार भाषाओं के जानकार भी होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर यश शयन भी है इनके, ये व्यक्ति को फेम देती है। अब इनकी बाकी की साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहां पर साइन है, एक इस जगह पर है और अच्छी साइन इनके यहां पर है। अब ये काफ़ी उत्तम बड़ी साइज की लग रही है पर जितनी मोटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, साइज बड़ी है पर इतना मोटापा अच्छा नहीं फिश साइन का, जितनी पतली उतनी ज़्यादा बेनिफिट। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम देती है व्यक्ति के जीवन में, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं ऐसे लोग। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, यानी अपनी आय से बहुत उत्तम तरीके से जीते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हो, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब वापस एक यहाँ पर भी साइन है छोटी, और इस लाइन की वजह से बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यहाँ पर जब उभारो किसी भी व्यक्ति के तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आलस्य फील करता है और मुझे लगता है ये शनि पर्वत यहाँ से बीच में से दबा लग रहा है। अगर ये दबा होगा तो 3 माइनस पॉइंट होते, एक कोई भी काम आसानी से नहीं होता, हार्ड वर्क होता है, एक बार में नहीं होता काम, 2-3 बार जब अप्रोच करते तब जाके वो काम होता है और जीवन भर हमें लोन चुकानी पड़ती है। कोई ना कोई
ब्याज चुकाना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है अगर यहाँ से दबा होगा तो। और बहुत बार हमसे देखने में भी गलती होती है, ये जब शिफ्ट होता है किसी और पर्वत की ओर, कोई भी माउंट अतिक्रमण करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होते, समझने में थोड़ा सा हार्ड होता है। अब इनका जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है, शिफ्टेड है या अतिक्रमण कर रहा है, इस तरह का जुपिटर माउंट सांसारिक समस्याएं देता है। सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद। अब इसमें एक किंतु परंतु है, अगर सर में बचपन में लगाओ तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरा प्रॉब्लम पारिवारिक समस्याएं देता है, ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसमें एक और माइनस पॉइंट होता है, परिवार के लोगों में बहुत ज्यादा आर्थिक व्यवहार करना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं परिवार के लोगों को। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। ये जो लाइन है ये एक तरह का गुरु वलय है, कि जैसे जैसे अभी 57 के तो हो गए, मंदिरों में जाना बढ़ जाता है इनका, वहाँ पे सेवा देना, पैसे वाले होते तो ट्रस्टी बनते, इस तरह की कंडीशन होती है। और खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति का कभी नाम खराब होने नहीं देते, कितना भी आर्थिक तकलीफ आए। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, तो सारे की ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और यहां पर देखिए, ये इस तरह का फोर्क बने तो ऐसे लोगों में एक खासियत देखी जाती है, इतने शार्प होते हैं कि बाया हाथ काम करता है वो दाया को नहीं पता चलता, इतने शार्प होते हैं ये इस तरह का फोर्क होता है। अब यहां पर देखिए लूप बन रहा है, ये लूप माइंड लाइन के पास हो तो मेमोरी पावर देता है, इमेजिनेशन पावर देता है, और थोड़ा सा नीचे हो तो पर्यावरण प्रेमी बनाता है। अब ये लूप ना इधर है ना इधर है, अब दो में से कोई ना कोई एक क्वालिटी इनके पास होगी, क्योंकि बीच वाला बीच वाले रास्ते में है। दूसरा माइनस पॉइंट, ये क्रॉस हमेशा भयभीत रखता है, हमेशा डर लगा रहता है जीवन के प्रति, कल क्या होगा इसका भय सताता है। और यहां पर देखे तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, तो ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर ही रहे। और चंद्र अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीजें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी काफी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा में एक शाखा नीचे की तरफ झुक रही है, इस तरह की झुकाव वाले लोग गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा, और जुपिटर माउंट का उपाय चाहेंगे तो भी दे दूंगा। और ये पूरी घुमाव ले रही है, तो जुपिटर से जब टच करती है कोई भी हृदय रेखा, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आते। हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेके रात तक आपाधापी लगी रहती है, ये इनमें माइनस पॉइंट होता है। माइंड लाइन में काफ़ी डिफरेंस है, तो बहुत जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और जुपिटर से निकलने वाली लाइन सीधी चल रही है,
तो काफी अच्छी माइंड लाइन है उसमें, कोई किंतु परंतु नहीं। अब इनके बहुत ज्यादा इवेंट है नहीं जीवन में, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे एक 32 में पहली राहु रेखा दिख रही है, टिल्टेड फोटो भी लिया है पर यही लाइन दिख रही है, उसके पहले बहुत छोटी छोटी लाइन है। उसके बाद 34-35 के आसपास मुझे एक ऑफशूट नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी होगी। 37-38 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, फिर 42 में राहु रेखा काट रही है, फिर 45 में एक ऑफशूट है, फिर 48 के आसपास राहु रेखा है, फिर 52.5 के आसपास बड़ी राहु रेखा है। उसके बाद एक और राहु रेखा है 53 के आसपास, और वर्तमान में ये राहु रेखा चल रही है, ये 57 की है, और यहाँ पर बड़ा ऑफशूट है इनके जीवन में 60 के आसपास। ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी दिलाए, और उसके 10-12 साल के बाद ये ऑफशूट है। अब जो इनके धन रेखा पर आते हैं, इनकी धन रेखा बहुत सुंदर कभी भी नहीं थी। अब देखो ये धन रेखा देखो आप, और इसमें एक केवल एक धागा आया ये इस पार्ट में। आपको अगर इसको समझना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक ये 37 से लेकर 1 या 1.5 साल इनके जीवन में बहुत अच्छी इनकम रही होगी, और ये फोटो ओके करने के पहले मैं कंफर्म भी कर चुका हूं। तो एक छोटा सा धागा आया, इतने धागे ने इनको ग्रोथ दी। तो केवल साइन होने से कोई बेनिफिट नहीं होता, हमें हमारी धन रेखा भी मजबूत चाहिए। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक एक स्टेज चला, ये इसी तरह का नॉर्मल स्टेज था। फिर 49 के आसपास एक इन्वेस्टमेंट हुआ इनके जीवन में, फिर पूरी लाइन बिगड़ गई, पूरी लाइन बिगड़ गई। पर जैसे मैंने नीचे धागा दिखाया था, इसी तरह का धागा आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा। ये भी 1 साल के आसपास अच्छा ग्रोथ इस धागे ने दिया होगा इनको। उसके बाद वापस से धन रेखा बहुत ज्यादा बिगड़ गई अप टू यहां तक, और ये एज होगी इनके इस जगह से, यानी 55 से लेकर 56.5 तक, ये बहुत ज्यादा बिगड़ गई धन रेखा। अब उसके बाद ये अच्छी हुई धन रेखा, पर इसमें एक टेक्निकल एरर आया है जो ये जैसे सॉल्व होगा इनको वापस ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। ये देखिए, और इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ये देखो ये कट और ये कट, इस वजह से ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जैसे ही ये कट पूरे होंगे इनकी ग्रोथ यानी भाग्योदय समझ लो। अब मैं ये भाग्योदय क्यों कह रहा हूं, यानी बहुत नियर आ चुका है भाग्योदय, कभी भी स्टार्ट हो सकता है इनका भाग्योदय। ये देखिए ये कट, और यहां से धन रेखा तो इम्प्रूव हो चुकी है। अब इस कट जैसे पूरा होगा, यहां से ये देखो, ये लाइन को देखिए आप, इतनी स्ट्रांग लाइन इनके जीवन में कभी नहीं थी। और इसमें भी अगर मैं देखूं तो यहां तक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइन है, और ये पीरियड होगा लगभग 7 साल का, उसके बाद भी खराब नहीं है पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। पर इस रेखा से तो अच्छी है, तो आने वाले समय में ये भाग्योदय समझ के चलिए, इस तरह का जो डॉट आया था उसमें जैसी ग्रोथ होगी होगी उससे भी ज़्यादा ग्रोथ इनको आने वाले समय में मिलने वाली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।